देना है हमें, और टॉपिक हर चैप्टर में मिलेगा जो हम आज बात कर रहे हैं, वो टॉपिक हर चैप्टर में काम आता है, और ये टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस अनुनाद क्या है, रेजोनेंस क्या है, और इसी टाइप से एक इसी से रिलेटेड है दूसरा आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों काफ़ी कुछ मिले जुले हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मता, दोनों टॉपिक एक तरह से, हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक रेजोनेंस का ही टाइप है, लेकिन है क्या रेजोनेंस, है क्या अनुनाद, है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अनुनाद जैसा लिख रहा हूँ मैं, तो आप भी को क्लियर क्लियर लिख दें, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड कह लें, पाई इलेक्ट्रॉन कह लें, एक ही बात निकलती, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन, हिंदी क्या करें कि पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थान बदल जाए, पाई इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदले, इस प्रक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। टिक लगाते चलना दिमाग में कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं हर सेंटेंस को आपसे पूछ कर बात कर रहा हूँ। तो पाई इलेक्ट्रॉनों का डी लोकलाइजेशन कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया CH2CH और एक ये Cl लिख लिया आज मैंने, एक पाई बॉन्ड है कि नहीं है, तो इसका मतलब एक अनिवार्य कंडीशन क्या होगी रेजोनेंस के लिए कि पाई बॉन्ड का होना जरूरी सा हो गया एक तरह से। और यहाँ पर देखो डी लोकलाइज करने के लिए क्या कौन हेल्प करेगा, लोन पेयर हेल्प कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लोन पेयर इधर आया इन बिटवीन सी एंड सी एल, सी और सी एल के बीच में आ गया, तो ये एच नहीं है, एच तो नीचे है, आपको पता होना चाहिए कि ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड नहीं बना रखा है, ये फ्री है, दे कैन मूव हियर एंड देयर, तो एक बार के लिए मूव अगर इधर आ जाए तो ये इधर आने से ये एरो नोटेशन क्या दिखाता है कि ये बॉन्ड बनेगा अब यहाँ, और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो यहाँ वैलेंसी बिगड़ जाएगी, चार तो पहले से ही है, और यदि बॉन्ड और बन जाए तो वैलेंसी बिगड़ जाएगी। इस कार्बन को इसका एनर्जी मिला, लोन पेयर की एनर्जी किसको मिल गई, कार्बन को, लोन पेयर के पास एनर्जी ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर के पास कम होता है, ये तो सबको ही पता है, जिसने बॉन्ड बना लिया उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ खर्च हुई होगी, फिर इसने बॉन्ड बनाए नहीं है, इसकी एनर्जी अभी बरकरार है, और जैसे ही इसको एनर्जी मिली तो पाई बॉन्ड टूट गया, और टूटकर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, इधर तो शिफ्ट हो नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन सेम ही रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यूँ जा रहे तो यूँ जाएंगे, तो देखने को नया स्ट्रक्चर जो बना है वो एक बार बिल्कुल क्लियर कर लें, इसको डबल एरो से तो शो करते हैं ऐसे, तो ये जो चेंज हुआ वो देखते चलें, सी है ये रहा सी, ये डबल बॉन्ड CH2 है ये रहा, जो चेंज हुआ है वो देखें, Cl पर कोई चेंज हुआ क्या, हो गया, Cl पर चेंज हुआ डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पर कोई चेंज हुआ क्या, यस इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पर कोई चेंज हुआ क्या, यस इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये एच एज इट इज है, तो ये देखें लोन पेयर यहाँ आ गए, बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट कर यहाँ गया, तो एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये आ गया, दिस इज वेरी बेसिक एरो नोटेशन, एरो का इस तरह से समझना इम्पोर्टेंट हो गया। तो पाई बॉन्ड की क्या लोकेशन, क्या पोजीशन बदली, पाई बॉन्ड कहाँ थे, कार्बन कार्बन के बीच, पाई बॉन्ड कहाँ चले गए, जिस प्रोसेस से ये हुआ उस प्रोसेस का नाम रेजोनेंस है, वह रेजोनेंस। दूसरा एग्जांपल ले, देखो जरा सेम एग्जांपल और ले रहा हूँ, देखो ये OS यहाँ पर है लोन पेयर है, यस, क्या लोन पेयर इधर आएंगे, सीखना एकदम पक्का करके जाएं, ये बॉन्ड इधर आ गया, क्या बना होगा, एरो लगाएं, क्या हुआ CH2 और ये CH नीचे है ही, ये डबल बॉन्ड के साथ
ओ बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो ये बन गया रेजोनेंस। ये नई जो स्ट्रक्चर बनी है ये रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना कहलाएंगी। तो इस रेजोनेंस से एक फायदा क्या है, क्या उपयोग है इस रेजोनेंस से, क्या हो जाता है? एक तो बात ध्यान रख लें, जिन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है वो स्टेबल बन जाते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों में से पूछूं, एग्जांपल आपके सामने है, इन दोनों में से मैं पूछ लूं, एक तो अल्कोहल ये है और एक अल्कोहल ये है, मन इधर ही लगाए रखें, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल है, OH इसमें और इसमें दोनों में। क्वेश्चन क्या आया, क्या उपयोग है, क्यों पढ़ रहे हैं? इनमें से स्टेबल को पहचानिए, एक क्वेश्चन तो ये आ गया। तो ये स्टेबल है कि वो स्टेबल है? जिसमें रेजोनेंस होता है वो आज हमने नोट कर लिया है, वो स्टेबल होगा, ठीक। क्यों की बात भी आ सकती है यहाँ कि क्यों सर, क्यों? स्टेबिलिटी में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए रेजोनेंस नहीं है, वो बात भी समझ में आ गई। लेकिन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल क्यों हो जाते हैं ये एक सेंटेंस में समझ लें। रेजोनेंस की वजह से नई संरचना बनती है जो इसमें बनेगी नहीं, जो इसमें बनेगी नहीं, और नई संरचना के बनाने में उस मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, उसकी एनर्जी काम में आएगी, और जब एनर्जी काम में आ जाए तो एनर्जी कम हुई ना, और एनर्जी कम होना स्टेबिलिटी बढ़ना होता है, एनर्जी कम होना स्टेबिलिटी बढ़ना। नई नई संरचना बनाएंगे तो हर संरचना बनाने में कुछ एनर्जी काम आएगी, काम आएगी, समझ रहे हो? एक स्टूडेंट है वो सारे दिन बैठा रहता है एक कुर्सी पर, और एक स्टूडेंट है वो उसका रूटीन है, देखना पढ़ता भी है, ग्राउंड में भी जाएगा, खेलने भी जाएगा और घूमने भी जाएगा, जिस तरह से भी कुछ ना कुछ नई संरचना बना रहा है, वो नई संरचना बना रहा है। तो कौन स्टूडेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कौन होगा? आज पढ़ भी रहा है, खेलने भी जा रहा है और भी नए काम कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, खर्च हो रही है, और वो चिड़चिड़ा नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा वो। और नहीं तो यूँ कहते बैठा रहे एक जगह बैठा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, गुस्सा ही आएगा, नई संरचना बनी नहीं आएगा क्या? ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि सारा दिन घर में बैठा है और नई नई संरचना बनाएगा, तो कुछ ना कुछ संरचना बनाने में, खेलने में एनर्जी खर्च नहीं होगी क्या? पैदल जाने में एनर्जी खर्च नहीं होगी क्या? कोई दूसरा काम करने में एनर्जी खर्च नहीं होगी क्या? तो इसने भी कोई नया काम किया ना, क्या काम किया है? नई संरचना बनाई है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी खत्म हुई कि नहीं हुई? और कम हुई, कम होना मतलब स्टेबल होना। तो ये कर रहा है कुछ नया काम, कुछ नया ही नहीं हुआ, कोई संरचना नहीं बनाई, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम। एनर्जी बात अलग कह रहा हूँ और स्टेबिलिटी बात अलग कह रहा हूँ। एनर्जी कम होना का मतलब ज़्यादा स्टेबल होना, समझा की बात? तो इसलिए कहते हैं कि अनुनाद से, रेजोनेंस से स्थायित्व आता है, क्यों? क्योंकि नई संरचना का निर्माण होता है, खत्म। इतनी बात समझ आ गई, ये शायद नई चीज सीख ली होगी, इसलिए इन दोनों की बात ये करें। अब बात करें, एक तो पॉइंट हुआ स्टेबिलिटी, देखो अब इसकी बात करें, उपयोग क्या हुआ, क्या यूज हुआ, क्या एप्लीकेशन हुई। एक एप्लीकेशन तो हमें समझ में आ गई, रेजोनेंस की हम साथ के साथ उपयोग भी पढ़ रहे हैं। उपयोग नंबर वन क्या समझने में, क्या समझाने में? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी समझाने में। नंबर दो, स्टेबिलिटी समझाने में कैसे काम लिया, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगी उतना ही स्टेबल होगा। कितनी बनी? एक बन गई। इस कितनी बनी? एक भी नहीं बनी। कौन स्टेबल है? एक दो बना रहा है, एक चार बना रहा है, तो चार वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर? दूसरी बात अभी भी समझने आया कि नहीं आया? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
दूसरा है एसिडिक नेचर के समझाने में, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर मॉलिक्यूल में, एसिडिक नेचर खास तौर पर अल्कोहल फिनोल की, खास तौर पर फिनोल और अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, वापस मैं लिख रहा हूँ, अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। अल्कोहल फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर समझाने में भी रेजोनेंस का रोल है। अल्कोहल ये भी है और अल्कोहल वो भी है, OH इसमें भी है, OH उसमें भी है, समझ में आ रहा है। OH दोनों में फिर भी ये एसिडिक है, वो एसिडिक नहीं है। क्वेश्चन आ गया बोर्ड क्लास में, यूनिवर्सिटी क्लास में, बात समझ आ गई। तो एसिडिक क्यों है पता लग गया, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है, इसकी वजह से O पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, O पर सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो O अपनी वैलेंसी को कम करेगा, कितनी है अभी, तीन, और तीन होती नहीं है, तो ये कम करने के चक्कर में इसको निकाल देगा, और निकाल दिया तो अब देखना जरा क्या बच गया, O पर क्या बच गया, समझना जरा क्या बच गया, O पर क्या बच गया, हो गया ना डबल बॉन्ड, हो गया ना ये शांत, और क्या हो गया, एच निकल गया। एच निकलने की बात समझ में आ गई, अब तो क्यों डोनेट करता है एच समझ में आ गया। ये एच डोनेट करेगा क्या, ये OH है अपना एच त्याग देगा क्या, नहीं त्यागेगा। ये एच त्याग रहा है, क्यों त्याग रहा है, दो रीजन निकल के आगे, एक तो रेजोनेंस है और रेजोनेंस की वजह से ही ऑक्सीजन पर तीन तीन वैलेंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वजह से ये अभी तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं हो फिर कि थोड़ी देर बाद समझ में आए, आ रहा है ना, बहुत रुक रुक कर समझा रहा हूँ तसल्ली कर करके। और ये जो बेसिक अपने ले रखा है ना, ये दिस इज़ वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। स्टूडेंट अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं इसको, टीचर भी कर देते हैं कि क्या करना है, सिलेबस ही तो पूरा कराना है खुश करने के लिए, सिलेबस पूरा हो गया, पर इसका मतलब कुछ है तभी हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट यही चीज़ है वो जो नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं, इसमें कुछ नहीं होगा ऐसा, क्लियर। तो दोनों उपयोग समझ आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एग्जांपल लिया था मैंने। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है, कोई आपसे पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड ही क्यों है, कार्बोक्सिलिक बेस क्यों नहीं है, ये इसको हम एसिड क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि एच डोनेट करता है, एच क्यों डोनेट करता है, रेजोनेंस है, उससे क्या हुआ, ओ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वही तो बात होगी। तो कैसे होगा देख लो, ये देखो करें कोशिश, क्या हुआ, लोन पेयर यहाँ है, आगे ये पाई बॉन्ड यहाँ खिसक गए, बस ये एरो लगाना जिसको आ गया सफल है वो, ये टॉपिक उसके लिए एकदम क्लियर है। एरो में कोई डाउट हो तो पूछो, सर ये कैसे लगा दिया आपने, ये लोन पेयर है इधर आ गए, आपको सर इधर क्यों नहीं गए, चले जाएंगे तो क्या होगा, वापस आ जाएंगे, लौट कर आ जाएंगे वापस, क्यों आएंगे, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं हलचल, यहाँ इधर गए तो हलचल हुई, क्या हलचल हुई, ऑक्सीजन के पाइप बॉन्ड टूट कर आगे बढ़ गए, इसलिए ये इधर आ गया, नहीं समझ आई कि ये इधर आया तो ये कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड तुरंत टूट कर आगे चला गया, तो इसका मतलब ये इधर ही कुछ हुआ, उधर कुछ ही नहीं हो रहा था। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर ज़रा देखें इसका, तो CH3 O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O और ये H पॉजिटिव है, लो भाई मेरे ख्याल से आप सबको समझाना चाहिए एग्जाम्पल मैंने रेजोनेंस के, और वो भी जो एग्ज़ाम में आते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बेसिक चीज़ पर स्पेशल ध्यान दें। अब क्या होगा बताओ, अब ये एच आसानी से
निकल जाएगा। तो यही बात होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है और अल्कोहल में भी OH है, तो ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक है, सिंपल। क्या रीजन दिया? रेजोनेंस। तो इसका रीजन आपको क्लियर क्लियर लिखने और समझने आने चाहिए। रीजन नंबर 1, 2, 3 खुश करने के लिए 3 लिख दो, वैसे तो एक ही रीजन बहुत है। अगर मान लो आपको कॉपी भरनी है, आदत है, ज़्यादा ही अच्छा लिखना है और नोट्स भी बनाने हैं, तो लिखो रेजोनेंस के वजह से, नंबर 1 रेजोनेंस की वजह से ओ पर कैसा रह गया पॉजिटिव, जिसकी वजह से ओ क्या हो गया अनस्टेबल, जिसकी वजह से ये एच आसानी से त्याग देता। तो ये लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और अभी भी कई स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, नोट नहीं करते, मेरे बस वीडियो लेक्चर सुना और सुनते ही नोट ही नहीं कर रहे, अभी भी नहीं नोट करते ना कहीं। तो 3 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट का कोई महत्व तो मैंने बताया होगा, 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण ओ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ओ पर पॉजिटिव चार्ज आने से ओ अनस्टेबल हो गया और वो आसानी से एच डोनेट कर देता है। तो ये रीजन हुए हमारे लिए। तो ये दोनों के दोनों काफ़ी यूजफुल है। ऐसे ही मैंने एक एप्लीकेशन और बताई थी, एप्लीकेशन एक और भी बताई थी मैंने, एक एप्लीकेशन और, ये सबको नोट करने में टाइम नहीं लगाना है, फटाफट नोट कर लें। एक एप्लीकेशन में और नोट कर रहा हूँ, देखो जरा, एक मैंने बताया था एनिलीन की बेसिक करेक्टर, थर्ड नंबर है टू डिटरमाइन बेसिक करेक्टर इन एनिलीन एंड अमीन, बेसिक करेक्टर इन अमीन एंड एनिलीन। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेसिक करेक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं। देखने जरा, ये एनिलीन है, हमारे सिलेबस में एकदम क्लियर कट दे रखा है एनिलीन, और ये है वर्सेस लिख रहा हूँ, वर्सेस मैंने लिख दिया अमीन, ये अमीन लिख दिया। और क्वेश्चन आ गया कि इनमें से बेसिक कौन है, थर्ड एप्लीकेशन है ये रेजोनेंस की। तो बेस क्या था बताया था मैंने, एसिड की बात की थी वो उसमें की थी, और इसमें हम बेस की बात कर रहे हैं। तो ये देखो लोन पेयर है कि नहीं, दोनों में लोन पेयर है, और लोन पेयर जो डोनेट करते हैं, दाता होते हैं, डोनेट करने वाले डोनर ही बेस कहलाते हैं, लोन पेयर डोनर बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, लोन पेयर दोनों में है तो दोनों ही डोनर होने चाहिए, लोन पेयर दोनों में है दोनों ही डोनर होने चाहिए, दोनों ही क्षार होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्षार नहीं है, किसकी उपयोगिता है, रेजोनेंस की। देखना क्या उपयोगिता आएगी, इसमें रेजोनेंस है क्या, नहीं, इसमें रेजोनेंस है क्या, नहीं है, है ना रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन मैंने दो कल लिखवाई थी आपको, दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी रेजोनेंस की, कंडीशन फॉर रेजोनेंस नंबर 1, नंबर 2, कंडीशन फॉर रेजोनेंस वापस याद दिला रहा हूँ, क्या थी पाई बॉन्ड जिस एटम पर है उस एटम पर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो रेजोनेंस शो करेगा। देखो जरा, पाई बॉन्ड जिस एटम पर है, पाई बॉन्ड देख रहा है, ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा जिस एटम पर है, ये रहा, उससे यदि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो रेजोनेंस 100% होगा। एक तो ये कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी कि अल्टरनेट
पाई बॉन्ड होने चाहिए, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट दो पाई बॉन्ड होने चाहिए। बात क्लियर होगी? जब अल्टरनेट की बात करेंगे तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पाई बॉन्ड ही नहीं है। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या? है। ये रहा, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एटम है ही, हमने तो ये कहा था कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, लेकिन पाई बॉन्ड के कार्बन पर, पाई बॉन्ड वाले एटम पर। क्लियर? रेजोनेंस होगा क्या? होगा। कैसे होगा जरा ध्यान दें, ये लोन पेयर इधर आ गए, ये पाई बॉन्ड इधर आ गए, क्या बन गया नया स्ट्रक्चर? जरा ध्यान देंगे, न्यू स्ट्रक्चर जो बना है वो क्या बना, जरा ध्यान दें एक बार। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया इनके ऊपर, और इन पर कैसा रह गया? पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर बनने को है, देखो। और यहाँ पर कैसा रह गया? नेगेटिव। देखो वापस समझो, ये लोन पेयर यहाँ गए, इसका मतलब क्या दिखा रहा है? बॉन्ड बनेगा, ये लो बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनता है, बन चुका। ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और कहाँ रहा है? इस कोने पर। तो यहाँ पर क्या गया? नेगेटिव। लोन पेयर इस कार्बन पर अब है क्या? सॉरी, इस एटम पर, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है क्या? नहीं है। क्या ये डोनेट करने के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं। कहाँ चले गए? रिंग में। और इसमें लोन पेयर है क्या डोनेट करने के लिए? है। तो इस वजह से ये तो है बेस, ये तो कहलाएगा बेसिक, बेसिक यानी क्षारीय कहलाएगा, और ये क्षारीय नहीं है, बेसिक नहीं है, क्षारीय नहीं है, क्षारीय है। कारण बताइए, या कम क्षारीय है या अधिक क्षारीय भी कह सकते हैं। ये कम क्षारीय है, कम बेसिक है, लीस्ट बेसिक भी कह जाता है, बेसिक नहीं, या लीस्ट बेसिक भी कह जाते हैं, लीस्ट बेसिक, कम क्षारीय, दुर्बल क्षार, और ये मोर बेसिक। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ज़्यादा क्षारीय, ये ज़्यादा क्षारीय है, इसका रीज़न समझ आ गया? क्या रीज़न देंगे? रेजोनेंस के कारण। तो देखो, रेजोनेंस समझ में आए, रेजोनेंस के एग्जाम्पल समझ में आ गए, रेजोनेंस की कंडीशन समझ में आ गई, और रेजोनेंस की एप्लीकेशन समझ में आ गई। ये थी रेजोनेंस के बारे में डिटेल। कोई डाउट हो तो अभी पूछें। नो डाउट, क्लियर? थैंक यू।